पोस्टर जिस पर लिखा है लाडली बहना करे पुकार, मामा कर दो 51,000। कौन है ये लोग जो अपने छोटे से बच्चे को लेकर गुहार लगा रहे? उमस और गर्मी इतनी कि कोई भी बच्चा बीमार हो जाए, लेकिन क्या इनके पास सिवाय प्रदर्शन करके अपना अधिकार मांगने के और कोई चारा नहीं? तीसरी तस्वीर है जिन्हें दिव्यांग कहकर एक भरोसा दिया गया, क्या वो भी टूट रहा है जो यूं प्रदर्शन करने की लाचारी है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जगह है भोपाल का बीजेपी कार्यालय, जहां भीतर कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, जहां बैठकों में हर नेता को संदेश ये दिया जाता है कि अब सरकार के काम को जनता तक पहुंचाना है। भोपाल में उसी बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते बेरोजगारों की सुनने कोई नहीं आया। राजधानी भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाहर शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं वो फिलहाल धरने पर बैठे हुए हैं। ये मांग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 51,000 पदों पर जो प्राथमिक शिक्षक है उन पदों पर भर्ती की जाए, क्योंकि इनका मानना है कि लंबे समय से ये भर्तियां जो है ये अटकी पड़ी है। चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है जब सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, कई लोगों को जो है नौकरियां मिल रही है, तो 51,000 पदों पर भी शिक्षकों की भर्ती हो जाए। कोई नहीं आया। गुना से भोपाल बार बार अपने बच्चे को सीने से यूं चिपका कर संघर्ष करते मांग करती निया राठौर की सुनने, जिनके पास शिक्षा है, डिग्री है, योग्यता है, लेकिन नहीं है तो बस सरकार की तरफ से ये विश्वास कि शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। इसीलिए निया अपनी बात कहते हुए संवाददाता रवीश पाल सिंह के सामने रोने लगती है। लोग बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मामा जी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो हर बार के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जबकि सर पिछले हम एक साल से यहाँ पर आ रहे हैं, मैं अपने बच्चे को लेकर आ रही हूँ, हम लोग थक चुके हैं। आप हमारी बात मामा जी तक पहुँचाए जिससे वो प्राथमिक शिक्षा भर्ती 2020 51,000 पदों के साथ पूर्ण करे और हम लोग हमारा जो स्थान है गर्मी में पूरा पसीने से लथपथ। तो सर क्या करें आप बताइए, हमारा भविष्य यहाँ पर खतरे में पड़ा हुआ है, हम उसका भविष्य देखेंगे? जब तक हमारा भविष्य नहीं बनेगा हम उसके भविष्य की क्या उम्मीद करेंगे? सर हम लोग थक चुके हैं। ये प्रदर्शनकारी कहते हैं कि हम तो 22 जिलों से आए हैं, इन्हीं में राजा राम भी हैं। शारीरिक रूप से कठिनाई जिन्हें चलने में होती है, दिव्यांग, शिक्षा हासिल करने में बिना किसी बैसाखी के इन्होंने डिग्री हासिल की, पढ़ाने लायक योग्यता हासिल की। फिर क्या हुआ? शिक्षकों के पद बढ़ाने की मांग करते करते असहाय कर दिए गए, तो दिव्यांग कौन हुआ, राजा राम या फिर सरकार और सरकारी व्यवस्था? शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जो है 51,000 पद खाली नहीं है, 51,000 पद खाली नहीं है, पद खाली नहीं है, और अगर हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो हम लोगों का जो जीवन है बहुत ही नीचे स्तर आ जाएगा, यानी हम लोग भिखारी बन जाएंगे। इसलिए हमारी मांग है कि हमारी जो पद वृद्धि है वो 51,000 पदों के साथ पूरी की जाए। यदि हम लोगों को नौकरी नहीं दी जाती है तो हम दिव्यांगों का और हम महिलाओं का जीवन है जो बहुत ही नीचे स्तर पर चला जाएगा। दावा है कि वर्षों बाद मध्य प्रदेश में